डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू करेंगे। कल लेसन का नाम है कृषि। कल हमने इसकी चावल गेहूं जैसी फसलों के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम दालों के बारे में और मक्के के बारे में और मोटे अनाज जैसी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं मक्के की फसल पर। देखिए, ये एक आपके सामने एक चार्ट पेश किया गया है। इसमें सभी फसलों की जो मेन मेन स्थितियाँ हैं वो दिखाई गई है। आइए सबसे पहले हम आते हैं मक्के की फसल के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है। मक्के की फसल के लिए आपको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा इसके लिए चाहिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि तापमान सेल्सियस में मापा जाता है और जो वर्षा है वो सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखना, लिखते वक्त एग्जाम में गलती नहीं करनी आप लोगों को। और इसके ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 50 से सेंटीमीटर तक की ही वर्षा होगी तो वहीं मक्का पैदा किया जा सकता है। पानी की अच्छी व्यवस्था करके, सिंचाई के उत्तम साधन उपलब्ध करा के हम कम पानी वाले क्षेत्रों में भी मक्के की फसल को बो सकते हैं। इसके लिए जलोढ़ तथा लाल मृदा की आवश्यकता होती है। खाद्य फसल होने के साथ साथ जो मक्का है यह एक चारे की फसलों के रूप में पशुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब इसके जो मेन राज्य है जहाँ जहाँ पर मक्का होता है, आइए मैप में देखते हैं। देखिए, ये कर्नाटक है, मक्का यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। इस प्रकार आपको माइंड में ये रखना है कि मक्का जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन इन जगह पर होता है। सबसे पहले आपको भरना कर्नाटक, क्योंकि ये जहाँ सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहले उसी क्षेत्र का नाम कर्नाटक, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात बिहार और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं दालों पर। देखिए, दालों के लिए हमें सबसे पहले आर्द्रता कम चाहिए। ये शुष्क प्रदेशों में भी उगाई जा सकती हैं। इनके लिए जो तापमान है वो 20 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। और इसके लिए शुष्क हल्की मृदा की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब जहाँ पर दालें होंगी उसके लिए हम शुष्क मृदा में भी पैदावार कर सकते हैं। वैसे ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती हैं। ये होती हैं मध्य प्रदेश। देखो मैप में, ये आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और आपके राजस्थान में यहाँ पर, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, ये चार पांच राज्य हैं जहाँ पर दालों का उत्पादन होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये वो ये कि दालों को फलीदार फसलों के रूप में भी जाना जाता है, इसे हम फलीदार फसलें कहते हैं। वायु से नाइट्रोजन को ये लेती हैं, नाइट्रोजन को बचाती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। अब इन्हीं कारणों से फसली चक्र के साथ इन्हें उगाया जाता है, यानी फसलों के साथ साथ दालें भी, कभी कोई दाल कभी कोई दाल उगाई जाती रहती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दालों के बारे में कि ये हमारे खाने में प्रयुक्त होने के साथ साथ हमें प्रोटीन की मात्रा देती हैं, ये प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं, जिससे हमारी अन्य आवश्यकताएँ, शरीर की कई चीज़ों की कमी की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा आज मक्के की फसल के लिए और दालें की फसलों के बारे में। उसके पश्चात हम आते हैं मोटे अनाज पर, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। इसके लिए 27 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान तथा शुष्क ऋतु की जरूरत पड़ती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक की, और सूखी फसलों के नाम से हम इन मोटे अनाजों की फसलों को जानने के हैं। कम उपजाऊ भूमि पर भी ये उगाई जा सकती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और में ये होती हैं। देखिए, वही राज्य हैं जहाँ पर आपकी और फसलें होती हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पर आपकी दालों की फसलें थी वहाँ वहाँ पर ही है, ये मोटा अनाज ही है, वही चारों पांचों राज्य हैं ये, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। इस प्रकार आज आपने 3 ब्लैंक मैप रखने हैं अपने पास में, खाली मैप। एक पे लिखना है ये मक्के की फसल, और फिर वो चारों पांचों राज्य जो मैंने आपको बताए वो भरने हैं। दूसरे में आपको दालों की फसल ऊपर टाइटल लिखना है, उन चारों पांचों राज्यों के को भरना है, और उसके पश्चात मोटे अनाज को मैप में भरना है। इस प्रकार आपको 3 राज्य मैप में फिल करने हैं। आपको मैंने वो राज्य बता दिए हैं, आप मैप में ढूंढ कर उनको फिल करोगे, साथ साथ करते चलोगे तो आपको आसानी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपसे मिलते हैं, आगे ही कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.